प्लीज बेल आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर रेसिपी की अलर्ट मिलती रहे। नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खजूर, हरी मिर्च और अमचूर की लोंजी। ये लोंजी बहुत ही यूनिक है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लोंजी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए हम देखते हैं। 200 ग्राम खजूर ली है जिसके हमने बीज निकाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 3 बड़ी हरी मिर्च ली है हमने, कम तीखी वाली। हरी मिर्च को भी हमने लंबे आकार में छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसको भी थोड़ा पानी डाल के हमने और थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉईल किया है। साबुत अमचूर लिया है हमने, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इस तरह से और हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया है। लोंजी बनाने के लिए चुटकी भर हींग, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, आधा बाउल गुड़, साबुत सौंफ, साबुत धनिया जिसके हमने 2 टुकड़े कर लिए और लोंजी बघारने के लिए तेल। खलबत्ते में मिर्ची डाल के हम थोड़ा इसको कूट लेंगे। मिर्ची को मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिर्ची को मिक्सर में पीसेंगे तो एकदम ये चटनी जैसी बन जाएगी। इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना कूट के। देखिए इस तरह से हमने मिर्ची को कूट लिया दरदरा। अब हम अमचूर को भी इस तरह से कूट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अमचूर को भी कूट लिया दरदरा। लोंजी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को गर्म करने रखेंगे, तेल डालेंगे इसमें। तेल गर्म हो गया, इसमें राई जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, सौंफ और धनिया और हरी मिर्च को डाल देंगे। अमचूर भी डाल देंगे। गैस अपने मीडियम रखेंगे। अब एक एक करके हम सभी मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सादा नमक स्वाद अनुसार, काला नमक, गरम मसाला और गुड़ भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा मसालों को भी भून लेंगे गुड़ के साथ। गुड़ भी हमारा अच्छे से मैश हो गया है। अब हम खजूर को डाल देंगे। खजूर को हमने पहले से ही धो लिया था और इसको भी मिक्स कर लेंगे। खजूर थोड़ी नरम होने तक इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही होने देंगे। खजूर भी नरम हो गई है, हमारी लोंजी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस लोंजी को आप 8 से 10 दिन तक रख के आराम से खा सकते हैं। खजूर की लोंजी बनके तैयार हो गई है। इस लोंजी में आप गुड़ की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो आप भी इस लोंजी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए। ये लोंजी मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है और इसको शादी और पार्टियों में खास तौर पे बनाया जाता है। इस लोंजी को पराठा रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप पूड़ी के साथ इस लोंजी को खाएंगे तो इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप भी इस लोंजी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।